नमस्कार मु स्वागतिका प्रिय दर्शक बंधु आपण मानू जीवंत आहार को स्वागत जनाए आसंतु आज ध्यान निमंते पवित्र बाइबल रु उपदेशक पांच पर्व एक पदरु सात पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग प्रकृत उपासना आउ सेठारे एपरि लेखा जाए, तुम्हें परमेश्वर गृह को जीवा बेले सावधान रे आपणा चरण रख, कारण मूर्ख मानकर बळि उत्सर्ग करिबा अपेक्षा श्रवण अर्थे निकटवर्ती हेबार उत्तम, जेणु से माने मंद कर्म करंती बोली जानती नाही। तुम्हे अपना मुखरे अविवेकी हुआ नाही ओ परमेश्वर को साक्षात रे कोनसी कथा कहिबा पई तुम्हर चित चंचल न हेउ, कारण परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती ओ तुम्हे पृथ्वी रे अछ, एहेतु तुम्हर कथा अल्प हेउ, कारण कार्यर बाहुल्य रे स्वप्न हुए पुणी वाक्यर बाहुल्य रे मूर्खर रब हुए। तुम्हें परमेश्वर निकट में मानत कले परिशोध करने को विलंब कर ना, कारण मूर्ख मानी सतोष ना, तुम्हें जहाँ मानत कर ता परिशोध कर, मानत कर परिशोध नक अपेक्षा तुम्हर मानत न करार भल, तुम शरीर को पाप कराइबापी तुम मुख को दिना किंवा यह भ्रम है दूत साक्षात कहना, कहीं परमेश्वर तुम्ह रबरे क्रोध हो तुम हस्तर कार्य विनाश करे, कारण स्वप्न और असारतार बाहुल्य और बहुवाक्य द्वारा ए रूप घटे, मात्र तुम्हें परमेश्वर को भय कर। आसंतु यही वाक्य को भाविबा और बुझिबा। उपदेशक घोषणा कले जे आम्भे नैवेद्य सहित मूर्ति गुड़ी को नष्ट करने को चेष्टा करिबा उचित नुहे, बरं ईश्वर वाक्य शुणा आवश्यक अटे। से परामर्श देइछंती जे जेतेबेले आमको एक मानत करिबाकु पड़िबो सेतेबेले आमे निजर संयमता रक्षा करी सतर्कतार सह कथा कहिबा उचित। से चेतावनी देइछंती जे अधिक कथा कहिले मूर्ख बा अधर्म कथा कहिबार संभावना थाए, कारण एक मानत पालन करिबाकु पड़ुथिला, एपरी एक मानत करिबा जहां पालन करा जाई पारिबो। मानत पूरण न कले आदो मानत न करिबा उत्तम अटे। उपदेशक घोषणा कले जे मानत करिबा अपेक्षा ईश्वर को भय करिबा एवं नीरवतार सहित ताहांको कथा सुनिबा भलो। एठारे ईश्वर किए अटंती छ पद और दस पद एपरी कहे, प्रतारणा प्रार्थना द्वारा ईश्वर क्रोधित हुंती, से सही प्रार्थना को घृणा करंती जेउथरे लोभ अनुसरण करिबा एवं खाली प्रतिज्ञा करिबा अंतर्भुक्त अटे। जदि आमे काहाकु पुनर्बार देखिबा तेबे आमे अति जत्नर सहित कहुथिबा कथागुड़ी को ध्यान देबा आवश्यक। आसंतु व्यग्र और चिंता नकरी करुथिबा प्रार्थना को बंद करिबा और आंतरिकतार सहित एवं सम्मानर सहित प्रार्थना करिबा को आरंभ करिबा। एही पाठरु ईश्वर मते कौन सिखांती, एक नैवेद्य उत्सर्ग एवं रीतिनीति करिबा अपेक्षा नम्र भावरे वाक्य शुणिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। निजकु नैवेद्य भावरे प्रदान कले ईश्वर आम प्रति संतुष्ट हुंती, रोमियो तार बार पर्व एक पद जणाए। प्रकृत उपासना ईश्वर वाक्य शुणिबा एवं पवित्र और जीवंत बळी भावरे प्रतिदिन बंचिबा अटे। आपणको उपासना आपणको दैनंदिन जीवन रो नैवेद्य को नै गठित ना, एहा केवल आपणकर साप्ताहिक रविवार रो उपदेश शुणिबारे सीमित अटे। आसंतु प्रार्थनार सहित प्रभु विनती करिबा। हे प्रभु मते तुम्हें दया कर, शुणिथिबा वाक्य प्रति मो जीवन रे कार्यकारी ईश्वर हुओ, जेपरी ए वाक्य शुणी जहाँ मु बुझी अछि ताहा निज जीवन रे प्रयोग करिबाकु पारुथिबि। एक क्षुद्र निवेदन मु मोर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे मागुअछि, आमेन।